हेलो गाइस, बैक टू माय YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के बारे में। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको पीसी टेक के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और गेमिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से, फिर आपको बताता हूँ इसमें इसकी क्या खास बात है। सोचा था मैंने एक क्यों बाय किया है, और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं होने वाली है, मैंने खुद अपने पैसे से बाय किया, और आपको भी क्यों खरीदना चाहिए बाकी सब मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इस अनबॉक्सिंग की तरफ। तो गाइस शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। पहले इसकी कुछ बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं, जिसमें मिल जाता है Ryzen 5 थर्ड जेन प्रोसेसर है इसका, और PCIe 4 जेन रेडी है ये। बाकी इसकी अगर मैं MRP की बात करूँ तो इसकी MRP जो है करीब 28,000 है, लेकिन मुझे करीब 17,500 रुपये का पड़ा है। बाकी आप देख सकते हैं Ryzen का ये है 3600 प्रोसेसर। बाकी इसका बॉक्स कंटेंट में कुछ नहीं, बाकी इधर हमारी चिप दिख जाती है इसकी, हमारे मेन प्रोसेसर का कंटेंट है AMD Ryzen 5 3600। बाकी चलो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है मेरा गरीब वाला नाइफ, ये खुल गया बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर शायद एक और बॉक्स है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा मेन कंटेंट जो है हमारा ये है प्रोसेसर, बाकी ये कुछ AMD का पता नहीं, कुछ चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी जो लिख रही है, पता नहीं क्या सर्टिफिकेट अथॉरिटी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और बाकी ये हमारा मेन कंटेंट हमारा प्रोसेसर, और इसका ये स्ट्रीकर है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं अपने CPU वगैरह पर लगाने के लिए। बाकी तो और कुछ है नहीं, और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में तो ऑब्वियसली बात है फैन होगा, और तो कुछ होगा नहीं। इस बॉक्स को साइड कर देते हैं। अब ये है हमारा प्रोसेसर फैन, जो कूलिंग फैन जो होता है प्रोसेसर को कूल रखता है। और ये भी हमने कर लिया अनबॉक्स, और बाकी कुछ कंटेंट है नहीं इस बॉक्स में, बस यही है इसका बस मेन कंटेंट जो है। बाकी इसका सॉकेट जो मदरबोर्ड में जाएगा ये है, शायद ये जो जो AMD का ये ग्लो वाला नहीं है, शायद X सीरीज में जो आता है ग्लो वाला ये वो नहीं है। बाकी तो मैं ऑन करके तभी बता पाऊँगा इसमें क्या है और क्या नहीं है, बाकी ये मेन कंटेंट तो आपने देख ही लिए। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके प्रोसेसर हमें क्या क्या देता है। तो सबसे पहले तो ये 3.6 GHz की इसकी बेस क्लॉक है, और ओवर क्लॉक होता है 4.2 GHz तक आउट ऑफ द बॉक्स, और 32,000 MHz की RAM सपोर्ट करता है आराम से करने का, और 6 कोर और 12 थ्रेड यानी हेक्सा कोर प्रोसेसर है ये, और थर्ड जेन प्रोसेसर है AMD का, और 35 MB की कैशे है इसकी, और इसका जो है AM4 सॉकेट है, 7nm चिपसेट आर्किटेक्चर है इसका। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, 7nm चिपसेट जो है इसका आर्किटेक्चर है। और ये हाँ, बस इसमें एक थोड़े सा जो इशू मुझे लगा इस प्रोसेसर में वो ये है कि ये जो है विदाउट ग्राफिक कार्ड्स डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं है आपके पास, तो इसके अंदर कोई भी इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड ग्राफिक्स नहीं है जो आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करेंगे, तो आपको एक ग्राफिक कार्ड की तो मेन जरूरत पड़ने वाली है। बाकी जो इसमें आपको जो मदरबोर्ड लगेगा वो 450s भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए BIOS अपडेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप इसमें कोई मदरबोर्ड ले रहे हो तो B550 सीरीज़ का कोई मदरबोर्ड लें आप, तो ज़्यादा इसके लिए सही रहेगा, क्योंकि उसकी BIOS आउट ऑफ द बॉक्स अपडेटेड आती हैं। जो मेन बात थी कि बहुत से लोग पूछेंगे कि आपने इस बजट में i5 9th जनरेशन क्यों नहीं लिया, वो भी आ जाता 1,000-2,000 रुपये महंगा है शायद मेरे ख्याल से आज की डेट में आपसे बात करें प्राइसिंग की तो। लेकिन भाई मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि मेरा पास्ट का जो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है i5 के साथ वो मुझे बिल्कुल कोई खास नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया i5 के साथ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोसेसर की, तो हाँ थोड़ा सा मुझे भी पहला लेने में थोड़ा सा लग रहा था, पर मेरे जो दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि भाई नहीं लेके देख, हमारे भी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, तो मैंने कहा ठीक है चलो लेके देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो मैं इसके साथ कॉम्बो इस्तेमाल करूँगा अपने PC के में, वो करूँगा मैं GTX 6060 ग्राफिक कार्ड और B550 गेमिंग एक्स मदरबोर्ड की। अगर आपको उसकी अनबॉक्सिंग भी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग भी डाल दूँगा। तो चलो बाकी बात और थोड़ी सी और करते हैं। तो हाँ गाइस, आए थे इस पॉइंट पर कि मैंने इस प्रोसेसर को क्यों बाय किया और आपको क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहली बात तो इस प्राइस रेंज में जो प्रोसेसर इसको बीट करता है वो है i5 9th जनरेशन, और जो इस प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है इसकी प्राइस से, और वो थोड़ी सी मुझे उसके साथ मेरा पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब मैं इसको यूज़ करूँगा फिर आपको बताता हूँ इसको क्या सीन है। लेकिन
मेरे हिसाब से तो इसका जो बेंचमार्क है बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स के पास भी ये है जो यूज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा बताया था उनकी ही उससे मैंने ये लिया है, उनकी एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने ये बाय किया है। बाकी इसका जो 6 कोर और 12 थ्रेड्स हैं वो मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देने वाले हैं, मुझे ही पता है, क्योंकि i5 9th generation सिर्फ 6 कोर और 6 ही थ्रेड के साथ आता है, जिसकी बेस क्लॉक जो है 3.6 क्लॉक, सॉरी इसकी जो इसकी जो बेस क्लॉक है वो है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ और ओवरक्लॉकिंग की पहुँचती 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक। और इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है, और i5 9th generation का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो मुझे थोड़ा ठीक ठीक लगा, लेकिन इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा निकाल के दे। और बाकी तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, शेयर करिए चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।